स्टूडेंट यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एक्सरसाइज सेवेंटीन से सॉरी एक्सरसाइज सेवन सी का क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन टू थर्टी थ्री इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें इसमें हमने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी किया है उसको भी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर क्वेश्चन स्टूडेंट इन द गिवन फिगर साइड बी सी ऑफ ट्रेंगल ए बी सी प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए बी सी इज ईक्ल टू सेवेंटी डिग्री एंड ए सी डी इज़ इक्ल टू वन ट्वेंटी डिग्री दैन फाइंड एंगल बी ए सी आपको इस एंगल के मेज़र को फाइंड करना है क्या यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ अपोज़िट अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल कितना बेटा वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन को करना है आपको और सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंगल बी ए सी एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी ABC 70 degree angle BAC is equal to 120 then angle BAC is equal to 120 minus 70 is equal to 50 degree your option is this this option is B option is right you can say 50 degree this is B option is right नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट इन द गिवन फिगर रे ओ ए यहाँ से यह ओ ए इसको आप बी ले लें इसको आप सी कर दें और इसको आप डी कर लें तो ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी आर सज दैट एंगल ए बी एंगल ए बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए डी प्लस एंगल यहाँ पर एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी यहाँ पर आप मेज़र लिख दें फिफ्टी डिग्री दिस इज़ ऑफ नाइन्टी डिग्री एंड नेक्स्ट वन इज़ सेवेंटी डिग्री एंड नेक्स्ट वन इज़ एक्स हैं दैट इज़ ए डी इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री बिकॉज एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री देन आप प्लस करें जीरो नाइन सेवन सिक्सटीन सिक्सटीन फाइव ट्वेंटी वन टू हंड्रेड टेन प्लस एक्स इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी डिग्री देन एक्स इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी माइनस टू हंड्रेड टेन थ्री माइनस ट्वेन एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड फिफ्टी डिग्री थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इन द गिवन फिगर एंगल ए इज इक्वल टू फिफ्टी डिग्री सी इज़ पैरल टू बी एंड ई सी डी इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री देन फाइंड एंगल ए सी बी ए सी बी एंगल स्टूडेंट आपको फाइंड आउट करना है क्या करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि ए बी इज़ पैरल टू सी ई ए बी इज पैरल टू सी ई हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी ई सी डी किस इक्वल है क्योंकि यह करस्पॉन्डिंग एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल है ये ठीक है ये करस्पोंडिंग एंगल है अब क्या करना है जो मेजरमेंट सिक्सटी डिग्री यहाँ पर है वही यहाँ पर आ जाएगा तब लिखोगे इन ट्रैंगल ए बी सी एंगल ए बी सी प्लस ठीक है ये तो सिक्सटी डिग्री के इक्वल हो गया बेटा ए बी सी एंगल बी सी एंगल ए सी बी पहले बी ए सी चले जाते हैं एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू वन हंड्रेड डिग्री वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन हंड्रेड डिग्री देन ए बी सी इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री दिस इज़ फिफ्टी डिग्री And this is angle ACB to be calculated 180 degree. This is 110. Angle ACB is equal to 180 degree. Now, angle ACB is equal to 180 degree minus 110 degree is equal to 70. Angle ACB is equal to. सेवेंटी डिग्री स्टूडेंट इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पर आप क्वेश्चन देखें रीड भी करें इन ट्रंगल ए बी सी इफ़ एंगल ए इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव तो आप सबसे पहले नोट डाउन कर लें इन ट्रगल ए बी सी एंगल ए इज़ इक्वल टू सिक्सटी फाइव एंगल सी इज़ इक्वल टू एटी फाइव And angle B is equal to 2B to calculated. Now, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Clear okay student? Angle A is equal to 65 degree. Angle B is not given. Angle C is given as 85 degree. Is equal to 185, 5, 10, 6, 8, 14 and 1 15 इज इक्वल टू 180 एंड दिस इज एंगल बी सो एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री तो ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर जो भी आपके बुक में ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन में 30 डिग्री आपका राइट ऑप्शन आप होगा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पर स्टूडेंट पहले क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आप बहुत अच्छे से इसको कर ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द सम ऑफ ऑल एंगल अ ट्रायंगल किसी भी से जो ट्रायंगल होता है उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता वन हंड्रेड एट्टी डिग्री तो इसके ऑप्शन है बेटा आप यहाँ पे लिख देना कि डी ऑप्शन इज राइट यहाँ बेटा एक ट्वेंटी वन के बेस पर एक दूसरा क्वेश्चन मैंने किया है उस पर दिस सम ऑफ कंप्लीट एंगल इज या दिस सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट अगर कोई पॉइंट है उसके चारों तरफ कोई हम इस तरह से रे बना दें तो कितने डिग्री का होता है थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री का होता है तो यहाँ पर ये यह एक्स्ट्रा क्वेश्चन था ये थ्री सिक्सटी डिग्री आप कर लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्वेंटी टू दिस समाफ आल एंगल साफा क्वाड्रिलेटरल जो हमारे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो किसी भी शेप में क्वाड्रिलेटरल हो इस तरह से जो फोर साइड से बाउंड होते हैं वह कितने डिग्री के होते हैं थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी डिग्री के होते हैं राइट स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ए इज पैरल टू सी डी जो ए बी है वह सी डी के पैरल है और यहाँ पर कहता है कि ए सी आपको फाइंड करना है जबकि ओ सी डी और ओ ए बी वन हंड्रेड फिफ्टी डिग्री एंड वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री रेस्पेक्टिवली दिया है स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना एक कंस्ट्रक्शन कर लो और इसका नाम दे दो एक्स अब क्या करो यहाँ पर एंगल आपको दिया हुआ है कि ओ ए बी ओ ए बी प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री इसे कहते हैं स्टूडेंट एडजस्टेंट एंगल क्या कहते हैं एडजस्टेंट एंगल तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको गिवन है कि ये वन फिफ्टी डिग्री एंगल एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री सो ए ओ एक्स इज इक्वल टू वन एटी माइनस वन फिफ्टी इज इक्वल टू थर्टी डिग्री इसका जो मेजर आ गया स्टूडेंट कितने डिग्री का हो गया थर्टी डिग्री का हो गया तो ये थर्टी डिग्री हुआ अब हम इधर का फाइंड कर लें देन हम यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे एंगल ओ सी डी प्लस एंगल सी ओ एक्स सी ओ एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री क्यों क्योंकि ये भी क्या है एडजेंट एंगल है राइट जिस तरह से जिस तरह से ये हुआ अब इसके बाद ओ की जो वैल्यू गिवन है वह 120 है एंगल सी हमारे को गिवन नहीं है तो एंगल सी ओ एक्स इज इक्वल टू वन एटी माइनस वन ट्वेंटी इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री हमसे क्या पूछा एंगल ए ओ सी एंगल ए ओ सी पूछा गया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एक्स प्लस एंगल सी ओ एक्स सी ओ एक्स इनके जो सम आए हैं एक तो सम आया थर्टी डिग्री और ये आ गया सिक्सटी डिग्री थर्टी डिग्री प्लस सिक्सटी डिग्री को हम ऐड कर देंगे तो नाइन्टी डिग्री हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या होगा राइट right ऑप्शन होगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पर चलते हैं इन द गिवन फिगर पी क्यू इज़ पैरल टू आर एस और गिवेन है पी ए बी पी ए बी ये गिवेन है पी ए बी इज इक्वल टू तो सिक्सटी डिग्री एंगल ए सी एस इज़ इक्वल टू तो हंड्रेड डिग्री देन फाइंड एंगल बी ए सी देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आप इसके अंदर आ रहे हैं तो कैसे आएंगे वन से हंड्रेड को माइनस कर दें एंगल ए सी करना है पहले ए सी बी इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा वन हंड्रेड डिग्री माइनस यहाँ पर आपके पास कितना है हंड्रेड डिग्री इससे आप लेस कर दें तो ये हो जाएगा 80 डिग्री ये सब एटी डिग्री का हो गया यहाँ से आपके पास पी ए बी इज इक्वल टू ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री क्यों क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है ठीक तो हमारे पास ये कितने का आ गया सिक्सटी डिग्री का मुझसे पूछा क्या गया है मुझसे पूछा, पूछा गया बी ए सी फाइंड करो तो आप यहाँ पे लिख दें एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी, बी ए सी इज़ इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री ठीक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अट्रेंगल हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर आप नोट कर देंगे अब गिवन क्या क्या है ए बी सी सिक्सटी डिग्री दिस इज एन एट्टी डिग्री प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री वन हंड्रेड फोर्टी हो जाएगा एंगल बी ए सी को वन एट्टी से वन हंड्रेड फोर्टी फाइंड करके माइनस कर लेंगे कितना जाएगा यहाँ पर फोर्टी डिग्री जाएगा हमारा ऑप्शन क्या जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा एंगल बी ए सी का मेजरमेंट आप इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे राइट स्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी फाइव इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरल टू सी डी सी डी इज पैरल टू ई एफ ठीक है ये जो दो लाइन सेगमेंट हैं इनके पैरेलल ये भी यहाँ पर है क्लियर हो गया अब देखें यहाँ पर क्या दिया है ए बी जी आपको गिवन है ए बी जी एंगल ए बी जी इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड टेन डिग्री एंड एंगल जी सी डी एंगल जी सी डी इज इक्वल टू हंड्रेड डिग्री आपसे क्या पूछा गया तो सबसे पहले क्या करें अपने लोग यहाँ पर आ जाएंगे इससे ए बी सी है यहाँ पर कितना है हंड्रेड डिग्री तो इससे हम इसका मेजरमेंट पहले फाइंड कर लें ठीक है बी जी ई e फाइंड कर लें क्योंकि एडजस्टेंट एंगल तो ये सेवेंटी डिग्री मिल जाएगा हमें ठीक है और इधर से इसका एडजस्टेंट फाइंड कर लें वन एट्टी से इन दोनों के सम को माइनस करेंगे आ जाएगा कैसे एंगल ए बी जी इज इक्वल टू एंगल बी जी ई सॉरी प्लस प्लस एंगल बी जी ई इज़ इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री रीजन एड जसेंट एंगल ठीक है स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिया है तो ये हो जाएगा हंड्रेड टेन डिग्री वन हंड्रेड एंड टेन डिग्री और एंगल बी जी ई इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी एंगल बी जी ई बी जी ई इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी माइनस हंड्रेड टेन इज इक्वल टू सेवेंटी डिग्री मुझे ये एंगल का पता लग गया कि ये सेवेंटी डिग्री है ठीक अब क्या करिए इधर से उसी तरह से आपने फाइंड आउट करना बेटा एंगल जी सी uh, जी ई एंगल सी जी ई इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी माइनस हंड्रेड डिग्री तो कितना हो जाएगा एट्टी डिग्री इधर का ये एंगल कितने डिग्री का हुआ है एट्टी डिग्री का आपको फाइंड आउट करना है एंगल बी सी जी एंगल बी आपको फाइंड करना है बी जी सी जिसकी वैल्यू एक्स डिग्री के इक्वल है अब क्या करिए 180 क्योंकि एक लाइन पर बने हुए सभी एंगल के सम 180 होते हैं इसमें से 70 डिग्री और प्लस 80 डिग्री को आप माइनस कर दो 180 हंड्रेड एट्टी माइनस सेवेंटी एट्टी वन हंड्रेड फिफ्टी इज इक्वल टू थर्टी डिग्री ठीक है यहाँ पर हमारा जो आएगा मेजर वो कितने डिग्री का होगा थर्टी डिग्री का होगा इस तरह से मेरा ऑप्शन ट्वेंटी फाइव का क्वेश्चन राइट right जाएगा और थर्टी डिग्री पर आप क्या करेंगे टिक लगा देंगे राइट स्टूडेंट आइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स पर है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ आ ट्रैंगल कोई ट्रेंगल है और इस तरह से एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रैंगल इस सम को इसके एंगल सम को अगर प्लस करें तो क्या हो जाएगा थर्ड साइड से ग्रेटर हो जाता है तभी तो तभी ट्रायंगल की फर्ज हो सकती है या आपने पहले भी पढ़ रखा है क्वेश्चंस में तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट right होगा ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स द डायगनल ऑफ अ रोम्बस कोई रोम्बस होता है उसकी ऑल साइड इक्वल होती है इस तरह से बेटा और यहाँ पर इस रोम्बस में ये कह रहे हैं कि जो डायगनल होता है ये डायगनल इस डायगनल से बड़ा होगा लार्जर होगा ना और ये स्मॉलर होगा तो क्या था ऑलवेज बाई सेट लेकिन यहाँ पर रोमबस के डाइगन की प्रॉपर्टी होती है ये नाइन्टी डिग्री पर बाई सेट करता है तो यहाँ पर ये नाइन्टी डिग्री वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पर चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री हमें ए बी और ए सी गिवेन है बी सी फाइंड आउट करना है हम सभी जानते हैं फार्मूला में जो पाइथागोरस फार्मूला होता है हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर ये तो होता है अब हाइपोटेनियस 90 डिग्री के ठीक सामने होता है तो आपने यहाँ पर 13 होल स्क्वायर कर दिया परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया फाइव हो गया फाइव होल स्क्वायर और यहाँ पर ये साइड हो गया बी सी होल स्क्वायर क्लियर हो गया बेटा 169 25 प्लस बी सी होल स्क्वायर 169 ये प्लस इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बी सी होल स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट बनेगा 144 होगा और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन ये वाला जो थर्ड ऑप्शन जिसे सी कहते हैं वो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पर स्टूडेंट इन ट्रेंगल ए बी सी इट इज गिवेन दैट एंगल तो यहाँ पर आपने नोट कर लेना इन ट्रेंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू थर्टी सेवन डिग्री एंगल सी इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन डिग्री ठीक है आपको एंगल ए फाइंड करना है तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रा ठीक यहाँ पर एंगल ए तो, तो गिवन नहीं है एंगल बी थर्टी सेवन डिग्री गिवन है और ये ट्वेंटी नाइन डिग्री इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी नाइन सेवन सिक्सटीन थ्री टू फाइव वन सिक्स और एंगल ए इज इक्वल टू वन एंगल ए इज इक्वल टू वन एटी डिग्री माइनस सिक्सटी सिक्स टेन माइनस सिक्स फोर सेवन माइनस सिक्स वन एंड वन हंड्रेड फोरटीन डिग्री एंगल ए का मेजर होगा और ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्टी पर स्टूडेंट चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी है कि दी एंगल ऑफ अ ट्रे आर इन द रेशियो टू थ्री सेवन तो लेट एंगल्स ट एंगल्स बी इज इक्वल टू टू एक्स एंड थ्री एक्स एंड सेवेन एक्स ठीक है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री देन यहाँ पर टू एक्स थ्री एक्स सेवेन एक्स इज इक्वल टू वन एटी थ्री टू फाइव सेवन ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू वन एट्टी एक्स इज इक्वल टू वन एट्टी अपान ट्वेल्व ट्वेल्व बन जाए ट्वेल्व यहाँ पर आ गया सिक्स ट्वेल्व फाइव जाए एक्स की वैल्यू कितनी हो गई फिफ्टीन इसने कहा फाइंड द मेजर ऑफ़ द लार्जेस्ट एंगल लार्जेस्ट एंगल क्या होगा सी बिन एक्स देन सी बिन एक्स इज इक्वल टू बिन इन टू फिफ्टीन एंड फिफ्टीन से बिन जा वन हंड्रेड एंड फाइव डिग्री यहाँ पर वन हंड्रेड फाइव थर्ड ऑप्शन आपका राइट right होगा जो कि सी ऑप्शन में आपका जाएगा इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्टी आपने कर लिया क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पे चलते हैं स्टूडेंट बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है थर्टी वन थर्टी वन क्वेश्चन पर इज इक्वल टू थ्री एंगल बी इज इक्वल टू सिक्स एंगल सी तो देन फाइंड एंगल बी देखिए लेट टू एंगल ए इज इक्वल टू थ्री एंगल बी इज़ इक्वल टू सिक्स एंगल सी बी इज इक्वल टू एक्स डिग्री इसको एक्स के इक्वल कर लिया अब आप क्या करेंगे अगर एंगल ए करना है तो एक्स अपान टू करना होगा एंगल बी करना है तो एक्स अपान थ्री हो जाएगा एंगल सी को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर एक्स अपान सिक्स हो जाएगा ये सब जानते हैं अब क्या करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू वन डिग्री देन एक्स अपान टू एक्स अपान थ्री एक्स अपान सिक्स वन हंड्रेड एट्टी टू थ्री सिक्स एल्सीम सिक्स हो जाएगा टू थ्री जान थ्री एक्स थ्री टू जान टू एक्स सिक्स वन जान वन एक्स इज इक्वल टू वन 3 थ्री टू फाइव एंड वन सिक्स एक्स वन हंड्रेड एट्टी ये सिक्स यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा फिर क्या करिएगा एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी मल्टीपल बाई सिक्स अपान सिक्स कैंसिल हो गया एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया वन एट्टी आपको फाइंड आउट क्या करना है बी फाइंड करना है बी की मेज़र कितनी है एक्स अपान थ्री देन वन हंड्रेड एट्टी अपन थ्री सिक्स ज और यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा आपका सी ऑप्शन क्या होगा राइट right हो जाएगा इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं 32 और 33 बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है थोड़ा सा इसमें आपको समझना है और आपकी बुक में हिंट भी दिया हुआ है आप वहाँ हिंट से भी इसको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं देखो हिंट में क्या दिया है हिंट में दिया हुआ है आपके कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू हमें इस एंगल की सिक्सटी फाइव दी इसकी वन फोर्टी दी वो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे वन हंड्रेड फोर्टी फाइव सिक्स फोर टेन वन टू हंड्रेड फाइव डिग्री जाएगा क्लियर हो गया ना ये अब यहाँ पर देखो ए बी सी तो बी तो दोनों में से कॉमन हो गया तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ठीक और इज इक्वल टू टू हंड्रेड फाइव डिग्री देन ए और बी ए और बी जो सम हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी भाई हमारे पास जो एंगल के सम की प्रॉपर्टी होती है वन हंड्रेड एट्टी होती है तो यहाँ पर आपने ले लिया वन हंड्रेड एट्टी डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू टू हंड्रेड एंड फाइव डिग्री देन एंगल बी कितना जाएगा 205 और बी की मेजरमेंट कितनी यहाँ पे हमने रख दी है 180 हंड्रेड एट्टी डिग्री ए और बी ए और सी के सम ए का सम और सी का सम हमने 180 रख लिया इसको हमने माइनस कर लिया 5 10 माइनस एट इक्वल टू टू वन माइनस वन तो एंगल बी कितना जाएगा 25 डिग्री का होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा अब देखो यहाँ पे प्लस है और इसमें क्या है माइनस का इतने तो फर्क है और इसी मेथड से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होना है कैसे यहाँ पर आपके पास एंगल ए ठीक है ना माइनस एंगल बी इज इक्वल टू थर्टी थ्री डिग्री गिवन है अगर हम ये कहेंगे भी एंगल ए फाइंड करना है तो थर्टी डिग्री में हम क्या करेंगे एंगल बी को प्लस कर देंगे ठीक है और यहाँ दूसरा दिया है एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू एट्टीन डिग्री अगर हम कहें कि सर एंगल सी फाइंड आउट करना है तो यहाँ तो माइनस का लगा रहेगा एटीन और ये माइनस एंगल बी बन जाएगा माइनस एंगल बी अब यहाँ से माइनस को हटाएं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस बी में जाएगा तो ये जाएगा बी और ये हो जाएगा माइनस डिग्री का एंगल बी राइट ना अब देखें यहाँ सी और यहाँ पर बी अब थर्टी थ्री डिग्री प्लस एंगल बी एंड प्लस एंगल बी कॉमन करके यहाँ पे क्या करना है एंगल बी एंगल बी माइनस एटीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन हंड्रेड एट्टी डिग्री ठीक देखिए यहाँ पर बी है ये बी है और ये बी है कितने हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास एंगल बी प्लस में कितने जाएंगे यहाँ पर वन बी टू बी थ्री बी तो थ्री एंगल बी हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से वन हंड्रेड एट्टी डिग्री थर्टी थ्री माइनस का होगा थर्टी थ्री माइनस और प्लस में क्या हो जाएगा एटीन टेन माइनस थ्री इक्वल टू सेवेन सेवन माइनस थ्री फोर एंड वन फोर्टी और यहाँ पर एटीन डिग्री हम प्लस कर लेते हैं थ्री एंगल बी हो जाएगा एट सेवन फिफ्टीन फोर वन फाइव और ये वन फोर वन फाइव वन सिक्स सॉरी वन हंड्रेड सिक्सटी फाइव डिग्री तो यहाँ पर थ्री एंगल बी एंगल बी इज इक्वल टू वन सिक्सटी फाइव डिवाइड बाई थ्री थ्री फाइव ज फिफ्टीन और थ्री फाइव जा फिफ्टीन तो जो एंगल बी होगा उसका मेज़रमेंट कितना हो जाएगा फिफ्टी फाइव डिग्री होगा जो कि हमारा ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट इस तरह से सारे क्वेश्चन को हमने किया आपके समझ में आ गया होगा अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स टू वॉच